होमोसेक्सुअलिटी समलिंगी आसक्ति यह बीमारी नहीं है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ करके अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे फ़ोन मुझे आते रहते हैं, आ रहे हैं, और मेरा स्टेटमेंट जो है वो मिस इंटरप्रिट किया जाता है, मिस अंडरस्टैंड किया जाता है, उसका अर्थ अलग तरह से निकाला जाता है। इसलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलिंगी आसक्ति मेल फीमेल दोनों में भी होती रहती है, और इसमें जब मेल में होती रहती है तो उसको गे बोलते हैं, और जब फीमेल्स में होती है उसको लेस्बियन बोलते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के लोग या प्राउड भी होंगे कि उनको होमोसेक्सुअल तो वो है, मगर उनको अभी उसमें मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है कारण कुछ भी हो सकता है, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको कन्फ्यूजन है अपना ओरिएंटेशन क्या उसके बारे में, कि क्या मैं होमोसेक्सुअल हूँ कि हेटरोसेक्सुअल हूँ कि बायोसेक्सुअल हूँ, तो उनको खुद को ही कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग बाजू बाजू वातावरण देख के जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको फिर एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन आता है कि अपने बराबरी के लोगों ने शादी कर ली, अपन तो वैसे ही है। कुछ लोगों को कहीं पकड़े जाते हैं फिर मार पड़ती है, और वहाँ से फिर उनको लगता है कि नहीं, मैंने गलत काम किया हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं वो हमारे पास में आते रहते हैं कि भाई हमको अभी मेरा ओरिएंटेशन बदलने का है। और मैंने मेरे वीडियोस में अर्लियर बार बार यही कह चुका है कि इसका इलाज जो है वो इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो वैसा है और वो खुश है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर यदि वो खुद हो के आके बोलता है, ऑन रिक्वेस्ट वो बोलता है कि मुझे अभी इसमें से निकालो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, जो भी कारण है, और वो चाहता है कि अभी मैं शादी करूं, वो चाहता है कि अभी मैंने ये होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट मैंने बंद करना चाहिए, वो चाहता है कि अभी मुझे इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट करता है, तो ऑन हिज रिक्वेस्ट, मैंने बार बार ये बोल चुका हूं मैं कि ऑन हिज रिक्वेस्ट देन आई इंटरफियर, मैं फिर वहां इंटरफियर करता हूं। और फिर उसके लिए फिर हम उसको देते हैं दवाइयाँ जिससे उसका मतलब मेडिसिन देते हैं जिसकी उससे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या और कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब साथ में कोई और मानसिक बीमारी है, तो उसका इलाज करने के लिए दवाई देते हैं। तो ये जो मतलब आते हैं मेरे पास में और ऑन रिक्वेस्ट बोलते हैं कि भाई हमको कुछ इलाज, हमारा कुछ इलाज करो, हमारा बहुत बहुत ही डिस्टर्ब हूँ मैं, बहुत मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, वो कारण कुछ भी हो, घर के प्रेशर के कारण से हो या दोस्तों के कारण से हो या अंदर से उसको लगता हो, तो फिर उस समय उनका इलाज मैं करते रहता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आपने ऐसा कैसा खा, जो होमोसेक्सुअल स्पेशली है वो तो खास करके फ़ोन करते रहते हैं कि भाई हम तो ठीक है, और आप कैसा बोलते हैं कि भाई हमारा आपका इलाज करना, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इलाज करो, मैं कुछ आपकी तरफ नहीं आया हूँ कि आपका इलाज करना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वो बीमारी है, मैं बोलता हूँ कि बीमारी नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेड नाउ, वो तो कोई बीमारी है नहीं, वो वे ऑफ लाइफ है, हर एक का अपना अपना ओरिएंटेशन है। तो मुझे कृपया मिसइंटरप्रिट ना कीजिए, मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए, मुझे मिसरिप्रेजेंट ना कीजिए। ये बीमारी है या नहीं उसके बारे में क्लियर है, मैंने बोला है कि बीमारी नहीं है। जिसको इसमें रहना नहीं है और जो चाहता है कि अभी मुझे शादी करनी है लड़की के साथ में, या मुझे अभी वो नहीं करना है, मुझे अभी वहाँ से छुटकारा पाना है, तो वो लोग, और दूसरे जो लोग हैं कि जिनको होमोसेक्सुअल विचार आते हैं, एक्चुअली वो अपने ज़िंदगी में कभी भी इंडल्ज नहीं हुए, उनकी कुछ भी हिस्ट्री नहीं है कोई भी होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट की, मगर उनको बार बार विचार आते हैं, और वो इतने डिस्टर्ब है, मतलब इतने ऑब्सेशन अबाउट होमोसेक्सुअल, इतने डिस्टर्ब है वो कि बोलते कि नहीं अभी मुझे इसमें से छुटकारा चाहिए, मुझे इलाज करो, ये सिर्फ विचार है मेरे को बार बार होमोसेक्सुअलिटी आ रहा है, मैंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया है, मैंने कभी फिजिकल टच नहीं किया है, मगर वो विचार आ रहा है, तो वो लोग है। या कुछ लोग जो है वो बायोसेक्सुअल लोग है, मतलब वो शादी की हुई है मगर वो तभी भी होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट में है, पकड़े जाते हैं, फिर वो बोलते कि नहीं अभी मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे फैमिली का सवाल है, अभी मुझे वो अट्रैक्शन जो है मुझे बंद करना है वगैरह, अभी मेरा इलाज करो। ऐसे लोग जो आते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई मुझे इसमें से मुक्ति पाना है, वही लोगों के इसमें मैं उनको ही हेल्प करता हूँ, उनको ही इंटरफेयर करता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है, कृपया ये वीडियो, जो लोग स्पेशली इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर केळकर ऐसा बोल रहे कि बीमारी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बीमारी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसका इलाज मैं करता हूँ, ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, जो लोग आते हैं उनको मैं जो तकलीफ है वहाँ से मुक्ति पाने के लिए मदद करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी
सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।